नमस्कार। कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.4 इसका चौथा प्रश्न आज हम कर रहे हैं। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इससे अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो इकाई स्थान का अंक बराबर x, तो दूसरा जो है इसका 3 गुना है। तो हमारे पास संख्या बन गई, इकाई स्थान है x, दहाई स्थान है 3x, तो संख्या बन जाएगी, दहाई स्थान वाले को 3 से गुना कर देंगे प्लस इकाई स्थान वाले को 1 से गुना कर देंगे, तो बन गया 10 दिया 30x प्लस 1x यानी कि 31x। अब क्वेश्चन के हिसाब से अंकों को बदल दीजिए। x अब दहाई स्थान पर आ गया, 3x अब इकाई स्थान पर आ गया, तो नई संख्या कितनी होगी? दहाई स्थान को 10 से गुना कर दिया प्लस इकाई स्थान को 1 से गुना कर दिया, 10 गुना x 10x प्लस 1 गुना 3x 3x, तो 10x प्लस 3x हो गया 13x। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के हिसाब से अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। इसका मतलब ये प्लस ये, इन दोनों को जोड़ने से 88 प्राप्त होता है, यानी 31x प्लस 13x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 88 प्राप्त होगा। 31 प्लस 13 हो गया 44x बराबर 88, x हो गया 88 बटा 44, और हमें पता है 44 को 88 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें संख्या कितनी दी हुई है? दी गई संख्या क्वेश्चन के हिसाब से यह दी गई संख्या किसके बराबर होगी? देखो, यह शुरू में इकाई स्थान का अंक था, दहाई स्थान का अंक था, संख्या थी ये वाली 31x, ठीक ना? तो दी गई संख्या है 31x, यानी कि 31 गुना x की वैल्यू है 2, तो 31 दुनी हो गया 62। इसका मतलब जो संख्या हमें दी गई है वह है 62। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, इकाई स्थान का अंक x माना, दहाई स्थान उसे 3 गुना था तो 3x माना, संख्या हो गई दहाई स्थान वाले को 10 से गुना कर दो, इकाई स्थान वाले को 1 से गुना कर दो, तो 10 गुना 3x 30x प्लस 1x 31x। नई संख्या आप मिलेगी अंकों को चेंज करने से, 3x अब इधर आ गया, x अब इधर आ गया, तो संख्या कैसे बनेगी? इसको 10 से गुना कर दो, 10 गुना x 10x प्लस इसको 1 से गुना कर दो, 3x गुना 1 3x, तो 10x प्लस 3x 13x। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों को प्लस करने से 88 आता है। x की वैल्यू निकाली और उसके बाद दी गई संख्या थी 31x, यानी 31 गुना 2 बराबर 62। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों यदि आपको अच्छा लगे। धन्यवाद।